बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे और कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो उसे नेक दुआ के साथ आज के वीडियो का करते हैं जी आगाज़। तो अभी दोपहर का टाइम हुआ है तो हम बना रहे हैं जी सालन, क्योंकि रोटियाँ हम सुबह बना लेती हैं और अभी इस वक्त आएगी गैस तो हम बनाएँगे। और कल मैंने पूरी सफाई की, इतने वो क्या कहते हैं उसको, इतनी चूंटियाँ थी, इतनी फिर दवाई लगा कर ना, फिर इस पर यानी कि वो झाड़ू वगैरह लगा कर ना, इसको ये जगह पूरी जो है वो मैंने साफ की है। कल नीचे भी साफ किया है, ऊपर ये जगह भी सब साफ किया है, क्योंकि वो इतनी ख़राब होती हैं कि कोई चीज़ अगर बनाए उसमें चली जाए तो पेट में दर्द हो जाता है और बच्चों की तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। सफाई तो करनी पड़ती है। तो कल मैंने ये काम किया है सारा दिन। दो दिन से वैसे पिछले कुछ दो दिनों से मुझे बुखार भी, रात को भी मैं जब सोती हूँ ना तो मुझे बुखार आ जाता है। पहले कुछ यानी कि दिन में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जब रात को सोती हूँ ना तेज़ हो जाता है। अभी मैंने कोई यानी कि वो मेडिसिन वगैरह नहीं ली, अभी जिशान से कहूँगी कि वो लेकर आएगा। लेकिन ये मौसमी बुखार है, कभी आ जाता है कभी यानी कि सही हो जाता है बंदा, क्योंकि मौसम अभी चेंज हो रहा है। सर्दियाँ जो है आने की यानी कि शुरू हैं, अभी अभी सर्दियाँ जो है वो आ रही हैं, तो मौसम मिस्री तब्दील हो रहा है, तो उसी की वजह भी हो सकती है, गले भी हो सकते हैं, एलर्जी वगैरह भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो उस वक्त भी मौसम चेंज होता है और अभी भी मौसम जो है वो चेंज हो रहा है। तो अभी हम बना रहे हैं जी, ये देख लें, ये इसको कहते हैं लोबिया, ऐसे ना नहीं रवा, वो तो हम सरायकी में रवा कहते हैं ना, बड़े रवा, तो ये इसको हम, वो तो वैसे तो हम इसको लोबिया कहते हैं ना। तो लोबिया तो वो दूसरा होता है। कौन सा? वो होता नहीं है जिसे बोंगरे, अच्छा वो दूसरी चीज है। ओ नहीं, वो तो बुंगरी होती है। हाँ। वो तो हम विलेज में काश करते थे, तो वो आप सबको दिखाया जब आपके अंकल जिंदा थे उस वक्त हमने काश्त किए थे। हमारी कुछ वीडियोस भी हैं पीछे कि हमने बनाई थी, तो वो होते हैं, वो भी सर्दियों में ही उगाए जाते हैं। इस मौसम मैंने लगाए थे, ये यकीन माने कि बहुत इतने हुए थे ना, बहुत ज्यादा हुए थे। एक होता है, एक कचनाल भी होता है वो ना, वो भी हमारा पहले जब यूट्यूब चैनल नहीं था उससे पहले हमारा एक कचनाल का दरख्त था। रेत के टीलों में जब हम शुरू में आए थे ना, पूछे उस वक्त एक भी वहाँ पे घर में नहीं था जब हम आए थे। हमने ऐसे आकर गुजर बसर किया था, बहुत यानी कि सुनसान इलाका था। बाद में थोड़ा सा वो हुआ तो फिर तो बस ये कल लेकर जिशान आए थे, तो कल बनाने की मैंने कोशिश की निकालने की, क्योंकि इसमें कीड़ा होता है और इसमें सुराख वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि ये भी देख लें कि ये भी इसका भी सुराख है इसमें, यानी कि इसको साफ करना पड़ता है और चेक करके बनाना पड़ता है। तो फिर मैंने नहीं बनाया क्योंकि ये अभी थोड़े से यानी कि वो भी हो चुके हैं, कमज़ोर जैसे जिसको कहते हैं, ये वो भी हो चुके हैं। अभी इसको साफ करते हैं, इसमें जो निकलेगा ना जो कुछ भी, तो सालन इसका बनाएंगे। थोड़ा सा इसमें आलू वगैरह भी ऐड कर लेंगे। तो अभी इसको चेक कर रही हूँ कि कौन कितना यानी कि मैं निकाल सकती हूँ, इनको कोशिश तो करूँगी लेकिन, पर इसको चेक भी ज़रूरी है करना। फिर इसको गर्म पानी में उबाल लेंगे, फिर उसके बाद ना जो सालन बनाएंगे ना उसी में डाल देंगे। तो हाँ व्यूअर्स, एक बुरी खबर है हमारे साथ वाले जो हमसाए हैं, उनकी वो बाजी हैं उनकी चची जान फोत हुई है। हाँ जी, जो पास वाले मेरे हमारे यानी के साथ, हाँ, हमारे साथ ही रहते हैं, उनके कमरे हैं जगह है, तो ये मतलब सब, हाँ एक पोर्शन हमारा, ये देखना ये सब ऊपर नीचे ये सब उनके चचा और उनकी फूफी और सब रिश्तेदारों का यानी कि ये घर है, तो उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है। तो वही उनके चचा जान थे, ताई जान थी, यानी कि वो ना यहाँ पे आ रहे थे, उनका अपना घर था, उसका एक बेटा यानी कि लाहौर में कुछ जॉब वगैरह करता है वो वहाँ पे था, एक पता नहीं पढ़ता है, तो वहाँ यानी कि गई सब्ज़ी लेने, उसको ना पता नहीं कुछ लोग बाहर के लोग जो है वो कह रहे थे कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ी सी उसकी तबीयत ख़राब हुई, वो सब्ज़ी लेने गई तो वहाँ पे उसकी तबीयत ख़राब हुई और फिर वो घर आई तो फिर एम्बुलेंस भी लेकर गए, लेकिन उसको यानी कि दिल का अटैक हुआ। तो अभी तो, मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले ही वो आई है, बहुत ज़्यादा अफसोस तो, हुआ क्योंकि हाँ पास ही है, मैं फिर बाजी के यहाँ जाऊँगी अफसोस करने, अभी मैंने गई वो वहीं पे थे, क्योंकि दूसरा रोज़ है वो वहीं पे जा रहे हैं, क्योंकि उनके अपने रिश्तेदार हैं, सास ज़हर है, खून का रिश्ता है, तो फिर तो अल्लाह पाक दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता करे, आमीन सुम्मा, जो जिसका नसीब जितने दिन का है वो उसे मिलता है, फिर एक ना एक दिन सब ने यहाँ से जाना है।
दिल का जो मर्ज है वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक होता है और है भी सही, है भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उनके दो बेटे थे, ये देख ले कि उन्होंने दो बेटियों की शादी भी अभी तक नहीं की थी, तो वो चल बसी, तो बस ऐसे ही होता है, बस अल्लाह ताला माफ करे, बस जब इंसान का वादा आ जाए ना तो जाना ही है, जाना ही है, बस अल्लाह ताला माफ करे, रहम करे सब पर। आमीन। तो अभी इनको साफ कर लेते हैं जी, अभी मैं देख तो रही हूँ, मुझे ज़्यादातर मेरी खुद भी नज़र कमज़ोर हो गई है, जबकि जब आपके अंकल होत हुए हैं तो मैं रोती रही हूँ, तीन चार चार माह से मैं यानी कि टेंशन में रही हूँ ना, मेरी काफ़ी ज़्यादा दीद जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है नज़र, तो बहुत ज़्यादा यानी कि मैं इतना मुझे कुछ भी ज़्यादातर दिखाई नहीं देता, पहले मैं मेरी नज़र ठीक थी लेकिन अब ना काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, तो बस ये देख ले के साथ होता है ना तो चलता ही रहता है बेशक। हाँ। तो बस मैंने इसको ना लोबिया को ना उबाल लिया था, इतना ही निकला था, खराब था, साफ करके ना ये देखेंगी मैंने इसको, यानी कितना नहीं गला ये, मैंने इसको थोड़ा सा यानी कि गाल लिया है, अब ये आलू भी मैंने इसमें डाले हैं, अभी मैं ये डालती हूँ मसाला जो तड़का जो लग रहा है, तो बिस्मिल्लाह करके डालते हैं, पहले ये डाल देते हैं, थोड़ी देर के बाद ना फिर हम जो है वो आलू डालेंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा गल जाएगा तो फिर आलू जो है वो डाल देंगे, तो हमने अभी यानी कि पहली बार हमने भी लिया है, पहले तो हमने नहीं बनाया लेकिन अभी अभी आना जो है वो शुरू हुआ है तो हमने भी लिया है, देखें कि अच्छा नहीं था वैसे, ख़राब था, क्योंकि अभी अभी आना शुरू हुआ है ना तो उसमें कीड़ा वगैरह लग जाता है, तो अभी स्प्रे वगैरह करेंगे तो फिर आगे ना कुछ अच्छा यानी कि ये होगा, अभी अभी आया है ना न्यू, इसलिए थोड़ा सा ख़राब है, तो ऋषा ने कहा कि आज लेते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, कल वैसे शाम को लिया था लेकिन बना मैं नहीं सकी क्योंकि ख़राब था, मुझे साफ करना था, काफ़ी ज़्यादा इस पर टाइम लगता है ना, अगर हम इसको साफ करके बनाएँ तो कोशिश तो यही करते हैं कि हम जो सब्ज़ी बनाएं हम साफ करके उनको बनाएं, सही तरीके से बनाएं, तो अभी ये आलू भी मैं उसमें डाल देती हूँ, थोड़ा सा फिर उसमें पानी डाल दूँगी, फिर उसके बाद ना थोड़ा सा इसको गल जाएगा ना, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी फिर गल जाएगा, तो फिर इसको ना जैसे भी बनाएं, छोड़ने वाला बनाएं तो बना लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो डाल बना लेंगे, तो अभी थोड़ी सी उनको हल्की हाथ में ना खड़ा देते हैं और इसमें एक कटोरी जो है पानी की डाल देते हैं, तो बस ये देखिए जी मैंने लोबिया का जो सालन है वो मैंने बना लिया है, तो ये देखें आलू डालकर सब कुछ इसमें मैंने डाल करना बनाया है बहुत ही अच्छे तरीके से, और वो देखो जो चिड़िया जो है वो भी यहाँ पे आई हुई हैं खाने के लिए, क्योंकि हम खाते हैं ना नीचे जो कुछ थोड़ा बहुत होता है वो भी खाती हैं साथ साथ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ही घोंसला वगैरह जो है वो बनाया हुआ है इस ऊपर वाले यानी कि हिस्से पर, तो इसलिए यहाँ पे वो सुबह सुबह ही जब हम 5 बजे उठते हैं ना नमाज के लिए, ये भी साथ होती हैं हमारे, आवाज़ें देती हैं, तो ये परिंदे हैं बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छे लगते हैं, तो बस वह जब उठते हैं और चहचहाते हैं, वे वैसे विलेज में बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन ये देखे ये सिटी में भी मौजूद हैं, लेकिन जो कवे वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर नहीं आते लेकिन ये होते हैं, तो अभी हम जो है खाना वगैरह जो है खाते हैं, क्योंकि अभी ज़ीशान मौजूद है और हम दो ही हैं और बड़ी बच्ची और मैं, तो अभी दो बच्चियाँ जो हैं वो नहीं आई, क्योंकि एक का सुबह की क्लास होती है 7:30 बजे और जो दूसरी की होती है 11:30 बजे, तो अभी सुबह कभी कभी तो छोटी बच्ची आ जाती है लेकिन आज वो लेट हो रही है, पता नहीं क्या वजह है कि उनके लेक्चर जो है कुछ कैंसिल हो गए हैं, कुछ देर से हो रहे हैं, तो अभी जो दूसरी है वो तो चली गई है, वो तो शाम को 5 बजे आएगी तकरीबन, तो ये देखें कि ये जो यानी कि सिस्टम है, पहले यानी कि दोनों इकट्ठी जाती थी लेकिन अब इन्होंने आगे पीछे कर दिया है जो यानी कि लेक्चर वगैरह है, तो दोनों जाती हैं ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, दो होती हैं लेकिन अब जो देखेंगे धुंध में हमें यानी कि जो सबसे छोटी उनको कुछ यानी कि लेकर आना भी पड़ेगा और जाना भी पड़ेगा कभी कभी, यानी कि जब बहुत ज़्यादा धुंध होगी,
तो अभी हम खाना जो है बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। तो जिस मेरे बहन भाई ने खाना है वो साथ आ जाए, मिलकर खाएंगे। और रोटियां जो हैं वो वैसे ठंडी हैं, मैंने बनाई थी, लेकिन ये देखिए बहुत मज़ेदार। तो अभी मैं जीशान को भी बुलाती हूँ और खाना वगैरह जो है हम साथ खाती हैं।